Girls, myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video, I will continue subject SPCC of Standard 12. Part 1, CC, Chapter Number 1, Bank Correspondence. Banking letter के अंदर हमने last जो video शूट किए थे उसमें बहुत सारे letters हमने complete किए. Last हमने letter complete किया था to the close the account. और आज हमारा letter है to avail a locker facility in the bank and second one is a write a letter of the complaint regarding rude behavior of the bank employees. आज इस वीडियो के अंदर हम टोटल टू लेटर्स देखने वाले हैं. फर्स्ट वन हम शुरुआत करते हैं लेटर टू अवेल लोकर फैसिलिटी इन द बैंक. पवित्र सुथार ये पर्सन है, ये पवित्र सुथार यूनियन बैंक के अंदर इसको जो है लोकर चाहिए, ये लोकर की फैसिलिटी लेना चाहता है, तो इसके लिए बैंक को लेटर लिख रहा है. और पवित्र सुथार तो यहाँ पर दिया गया है, पवित्र सुथार का नेम आ जाएगा राइट साइड पर और उसका एड्रेस आ जाएगा ऊपर, डेट आ जाएगी लेफ्ट साइड पर, कॉन्टेक्ट नंबर. और किसको लिखते हैं, टू द मैनेजर यूनियन बैंक मांडवी चौक एंड दाहोद. तो ये हमने ऊपर जो हेडिंग एड्रेस डेट ये कैसे लिखना है वो हमने 11 स्टैंडर्ड में किया है, इसलिए मैं यहाँ पर भी रिपीट नहीं कर रहा. सब्जेक्ट टू अवेल लोकर फैसिलिटी इन द बैंक. रिस्पेक्टेड सर, लेटर लिख रहा है पवित्र सुथार किसको, यूनियन बैंक के मैनेजर को. फॉर द लास्ट 7 ईयर आई हैव हेल्ड द सेविंग अकाउंट नंबर 00569978 34 विथ योर बैंक. आई हैव रिसीव ऑल फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक. डियर स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट कर दो, ये लेटर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 13 पर दिया गया है. तो फर्स्ट लाइन में दिया गया है कि मेरा लास्ट 7 ईयर से आपके बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है और मैं आपके बैंक के अंदर से बहुत सारी फैसिलिटीज जो है मैं ले रहा हूँ. आगे दिया है, आई अप्रिशिएट द सर्विसेज ऑफ द बैंक. आपके बैंक की सर्विसेज बेस्ट सर्विस है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ. बट एट द सेम टाइम आई हैव अ हेड अ डिससैटिस्फैक्शन फॉर नॉट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ सेफ डिपॉजिट इन द बैंक. बट बैंक के अंदर लॉकर फैसिलिटी नहीं होने के कारण पहले मैं डिससैटिस्फैक्शन फील करता था, बट अभी मैं डिससेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं हैप्पी हूँ. क्यों, आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी टू नो दैट बैंक इज बीइंग शिफ्टेड टू इट्स ओन न्यू इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स. बैंक जो है न्यू ओन इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स पर शिफ्ट हो रही है, तो इससे मैं हैप्पी हूँ. और बैंक जो है कि लोकर फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रही है, तो इससे और मैं खुश हूँ. मुझे डिससेटिस्फेक्शन था सिर्फ और सिर्फ लोकर फैसिलिटी से, पर बैंक ने लोकर फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है तो मैं एकदम हैप्पी हो गया हूँ. वेर ऑल द टाइप्स ऑफ फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर. पहले से ही बैंक सभी फैसिलिटी बैंक जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती थी और कर भी रही है. आई हैव अ हार्ट दैट द बैंक ऑल्सो ऑफर द फैसिलिटी ऑफ सेफ डिपॉजिट वैल्यू एट द न्यू प्रीमाइसिस. यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है प्रोमिसिस कि बैंक ने ये न्यू प्रॉमिस किया है कि हम आपको न्यू सेफ डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. सेफ डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पर दिया है, तो पवित्र सुथार एप्लीकेशन लिखते हैं कि आई वांट अ लोकर टू कीप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉस्टली गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स एंड अदर वैल्यूएबल फॉर द सेफ कीपिंग. यहाँ पर यह बताया गया है कि पवित्र सुथार बैंक को एप्लीकेशन करते हैं कि मुझे लोकर फैसिलिटी चाहिए. क्यों, अपने डॉक्यूमेंट जो है मैं लोकर में रखना चाहता हूँ, कॉस्टली गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी या कुछ भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हो या पेपर हो या कुछ भी चीज़ है वो उस लोकर के अंदर मैं रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे लोकर फैसिलिटी के बारे में जानकारी दे ताकि मैं लोकर जो है आपके बैंक से ले सकूँ. तो उसका रेट क्या है, उसकी साइज क्या है, तो वो सब कुछ मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए. तो दिया गया है, आई वुड लाइक टू नो द साइज ऑफ द लोकर. मैं आपके लोकर की साइज के बारे में जानना चाहता हूँ. इट्स अ रेंट, लोकर का रेंट क्या है वो भी मैं जानना चाहता हूँ. डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड इन अ बैंक टू द ओपन लोकर एंड प्रोसीजर फॉर द सेम. लोकर ओपन करवाने के लिए आपके बैंक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से पेपर चाहिए, तो सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूँ. तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपके बैंक के अंदर क्या क्या जरूरी है. आगे बढ़ते हैं,
Please let me know all the details so that I can visit the bank at the earliest and avail the facility of local. Please जल्दी से ये मुझे बताएं कि आपके बैंक के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डिटेल्स चाहिए, ताकि मैं जो है आपके बैंक से लोकर ले सकूं। लास्ट में योर फाइल को टी सुधार साइन आ जाएगी और लेफ्ट हैंड पर योर कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड, आपसे मैं कोऑपरेशन की एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये था फर्स्ट लेटर, लेटर टू अवेल लोकर फैसिलिटी इन द बैंक। नाउ सेकेंड वन इज राइट द लेटर ऑफ कंप्लेन रिगार्डिंग रूड बिहेवियर ऑफ बैंक एम्प्लॉइज। लेटर लिखते हैं कौन लिखते हैं? दिशा प्रजापति। दिशा प्रजापति लिखती है कि आपके बैंक का बैंक के जो एम्प्लॉय से उन्होंने मिसबिहेवियर किया है मेरे साथ। तो दिशा प्रजापति ये लिखती है कि पहले आपकी बैंक की जो सर्विसेज थी वो सर्विसेज बेस्ट थी, लेकिन पिछले कुछ मंथ से आपके बैंक के एम्प्लॉयज का बिहेवियर जो है वो रूड बिहेवियर होता जा रहा है। तो दिशा प्रजापति लिखती है, सबसे पहले राइट साइड पर दिशा प्रजापति का नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा और उसके नीचे जो है डेट आ जाएगी। उसके बाद लेफ्ट साइड पर ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर, फिर टू द मैनेजर, इसको लिखती है दिशा प्रजापति पंजाब नेशनल बैंक। सब्जेक्ट कंप्लेन रिगार्डिंग द रूड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक। रिस्पेक्टेड सर, आई होल्ड द सेविंग अकाउंट नंबर 1044657890 For the last 5 years, मेरा last 5 years से आपके पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट है। I appreciate the services the bank has rendered to me during the period. जो during the period था, मैंने जब सर्विस ली थी तब आपकी बैंक की जो सर्विस थी बेस्ट सर्विसेज थी और आपकी बैंक से मुझे बेस्ट रिस्पॉन्स भी मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से आपकी जो सर्विसेज है वो डिटोरिएट होती जा रही है, यानी कि आपकी सर्विसेज जो है वो बेकार होती जा रही है, खराब होती जा रही है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई फाइंड अ डिटोरिएशन इन द सर्विसेज ऑफ द बैंक। लास्ट 5 days से मैं देख रही हूँ कि आपकी बैंक की सर्विसेज है वो सर्विसेज खराब होती जा रही है, आपके एम्प्लॉइज का बिहेवियर भी खराब होता जा रहा है। इवन द बिहेवियर ऑफ सैम of the employees has become a causes of the dissatisfaction among the customer. आपकी बैंक के एम्प्लॉइज का बिहेवियर ऐसा होता जा रहा है कि हर एक एम्प्लॉइज को डिससैटिस्फैक्शन मिल रहा है। द इंसिडेंट हैपेंड 2 days ago and shameful for the bank and the matter of the serious concern for the account holder. पिछले कुछ दिनों से बैंक का बिहेवियर जो है एम्प्लॉइज का खराब होता जा रहा है और ये बिहेवियर हर एक कस्टमर के लिए टेंशन क्रिएट कर रहा है, सीरियस मैटर जो है वो क्रिएट कर रहा है और शेमफुल बिहेवियर होता जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज सैंक्शन अ स्कॉलरशिप टू मी फॉर अ हायर स्टडी विच वॉज टू बी क्रेडिटेड इन माई सेविंग अकाउंट नंबर 1046567890 ऑफ योर बैंक। यानी कि आपकी बैंक के अंदर कुछ गवर्नमेंट ने जो है मेरे हायर स्टडी के लिए स्कॉलरशिप जो है वो सैंक्शन की थी और वो क्रेडिट करने के बारे में भी बताया था, क्रेडिट भी किया हुआ है बैंक ने। बट कंसिडरेबल टाइम हैज पास्ड सिंस द ऑर्डर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट वॉज इश्यूड बट द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इज स्टिल नॉट डिपॉजिट इन माई अकाउंट। कुछ रीजन के कारण मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप दिखाई नहीं दे रही है, क्रेडिट नहीं हुई है और इसके बारे में मैंने आपकी बैंक के एम्प्लॉइज से भी पूछा तो आपकी बैंक के एम्प्लॉइज ने मेरे साथ रूड बिहेवियर किया हुआ है। सो आई अप्रोच द कंसर्न्ड एम्प्लॉइज हु हैज बीन डीलिंग विद दिस अफेयर, द सेड एम्प्लॉइज मिसबिहेव विद मी एंड पुट इन द अनरीजनेबल डिमांड मेकिंग मी फील द इंसल्ट एंड ऑल्सो सफर अ मेंटल ट्रॉमा। यानी कि इन्होंने जो है आपके एम्प्लॉइज ने जो है मेरे साथ मिसबिहेव भी किया है और मेरी इंसल्ट भी कर दी है और मेरे से ऐसे ऐसे भी डिमांड की है जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। इस तरीके से दिशा प्रजापति जो है वो एम्प्लॉइज के ऊपर कंप्लेन लिखती है और इस कंप्लेन से वो मेंटली स्ट्रेस फील कर रही है दिशा प्रजापति। तो मैनेजर जो है पंजाब नेशनल बैंक का इस तरीके से उस मैनेजर को जो है वो लेटर लिख रही है। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू अ मैटर एंड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न एम्प्लॉइज। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और ये बिहेवियर दोबारा किसी भी कस्टमर के साथ ना हो ऐसी के रखिएगा। लास्ट में योर फेयरफुल करके दिशा पटनी की साइन आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स,
आज इस वीडियो के हम अंदर हमने टोटल 2 लेटर्स कंप्लीट किए, बाकी के लेटर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शूट करेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।